चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। आपको शर्म नहीं आई इसी नीच हरकत करते हुए? मोबाइल की वजह से ना आपका दिमाग खराब हो गया है। हाईवे पे लाश मिली है दीप्ति की। मुझे तो ये भी लगता है उसका राजू के साथ भी कुछ चल रहा था। साहब हमारी बात मानिए। दीप्ति जब तुम अनुज से प्यार नहीं करती तो तुमने उससे शादी क्यों? साहब क्या कह रहे हैं? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पैसा हमें ना आपकी दीप्ति बहुत पसंद है। अगर दीप्ति को भी हमारा अनुज पसंद है तो हम आगे की बात करते हैं। जी बहन जी, अनुज को तो दीप्ति ने फोटो देखकर ही पसंद कर लिया था। तो रिश्ता पक्का ही समझो। पंडित जी से मिलकर ना शादी की तारीख तय करते हैं। जैसा आपको सही लगे। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। लो बेटा मुंह मीठा करो। लो हो गया यार ये। ओ तो भाग रही थी, पर किसके साथ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोनू? पर वो तो तुम्हें लेने आएगा नहीं, तो क्या अकेले भागोगी? सॉरी दीप्ति, अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया तो तुम्हारे पापा मुझे जान से मार देंगे, तो प्लीज मुझे भूल जाओ। दीप्ति, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भला ही चाहता हूं। अनुज तुम्हारे लिए सही है, तो वो तुम्हें खुश रखेगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत की। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड सोनू को जान से मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छे से हो गया। पता है सारी औरतें बहू की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। वैसे चांद का टुकड़ा तो तुम भी लग रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? मोबाइल में जो उल्टी सीधी चीजें देख कर ना आपका दिमाग खराब हो जाता। अरे अब बेटी की शादी हो गई है, बहू घर में आ गई है, अब ये फालतू की चीजें ना आपके दिमाग से निकालिए और भगवान में मन लगाइए। बहुत गुणी और संस्कारी है हमारी बहू, जरा दायरे में रहिए। दीप्ति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
हाँ संजू, ये तो राजू है, घर के काम करता है। मैंने उसे भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। राजू तुम जा, अनुज को चाय दे दो। जी जी। बहु जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। डरो मत। ये मेरा कमरा है। देख लिया पूरा घर? आज से ये सब तुम्हें संभालना है, और इसके अलावा गांव में भी हमारी प्रॉपर्टी है। एक मिनट। हाँ ये हमारे खानदानी गहने हैं, मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे, और आज से ये तुम्हारे। जाओ अनुज के लिए नाश्ता दे दो, उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाओ। ये क्या हो रहा सुधा? अंधी हो गई है बहू के प्यार में? तिजोरी खोल के दिखा दी। चुप कीजिए, जब भी देखो उल्टी सीधी बातें करते हैं आप। वो इस घर की बहू है, कोई चोर उचक की नहीं। बस निकल ही रहा हूं, कोई बात नहीं, रास्ते से पिक कर लूंगा। ठीक है चलो बाय। लंच बॉक्स। थैंक यू। अच्छा सुनो जी, कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं शाम को आते हुए लेता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, आप किससे बात कर रहे थे? मेरे दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा चलो बाय। भाभी जी, क्या है? वो लंच में क्या बनाना था वो पूछना था। मुझे नहीं पता, माँ जी से पूछो। अरे माँ जी ने बोला है आपसे पूछनी है। यार तुम्हें जो ठीक लगे तुम बना लो ना राजू। अच्छा सुनो, ये कब लेते हो? जाओ दीप्ति, एक गिलास पानी देना यार।
राजू पानी दे दो। रख दो। माजी वो मुझे सेफ की चाबी चाहिए, ज्वेलरी रखनी थी। ला मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। माजी वो मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। बोलो। इधर आइए ना माजी, वो जो राजू है ना वो हमें सही नहीं लगता। आज जब हम ना रहे थे तो पता नहीं हमें ऐसा लगा कि वो हमें छुप कर देख रहा है। नहीं बहू ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैंने तो उसे बाजार भेजा है सब्जी लाने के लिए। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। एक काम करो, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो, तब तक मैं रख के आती हूँ। से है ना यूएस की लाइफ बहुत अलग है। सच में आप आ रहे हो? ओके नहीं नहीं मतलब आप आ जाओ। हाँ हाँ वो पानी लेने आया था जी। कैसा रहा आपका दिन? मेरा अच्छा है। हाँ सच में? ठीक है हम मिलेंगे पक्का। और सुनो ना आपका वो डीपी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ मैंने देखा। अच्छा ठीक है हम मिलेंगे। ओके भाभी जी। सुधा 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 कहाँ गई है? वो माजी तो सत्संग गई। और तू अनुज के रूम में क्या कर रहा था? वो मैं पूछने गया था कि खाने में क्या बनाए। जी बाबू जी। कहाँ जा रही तुम? सैलून जा रही हूँ मैं।
हेलो, हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट बस। भाभी जी आपने बुलाया था? तुमसे ही काम था। ये देखिए गांव से भाई साहब का फोन आया है, शायद जरूरी कोई काम होगा। ठीक है मैं आ जाऊंगा। अरे तू मुझे टाइम बता देना, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। अरे तू टेंशन मत लेना, आ जाऊंगा मैं। भाभी जी को चाय देने गए थे लेकिन वो सो रही है। नाश्ता बना। ये क्या बोल रही है दीप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी हरकत करते हुए? सुधा ऐसा कुछ नहीं है अनुज, मैं तो बस इसका मोबाइल चेक करने आया था। आप लोग क्यों यकीन करेंगे मेरा? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। आप लोग क्यों यकीन करेंगे? अनुज समझाओ ना। हेलो पापा। भाई साहब आपको शर्म नहीं आई इसी नीच हरकत करते हुए? दीप्ति आपकी बेटी की समान है। देखिए भाई साहब जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहन जी हम तो समझते थे कि आपका परिवार बहुत संस्कारी है, लेकिन शायद मैं गलत था। पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे ले चलिए यहाँ से प्लीज। तू सही कह रही है दीप्ति, तू चल यहाँ से। दीप्ति दीप्ति भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? इतनी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर जाता है क्या? और मैंने इनकी ओर से माफी मांगी है ना आप लोगों से, मैं कह रही हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं माँ जी, बात सिर्फ बाबूजी की नहीं है, बात तो ये है ना कि आप लोग हमें अपना नहीं मानते। और रही बात अनुज जी की, तो अनुज जी पता नहीं छुप छुप कर किस से बात करते, उनका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है माँ जी। और माँ जी आपको भी तो हम पे भरोसा नहीं है ना, जब हमने उस दिन आपसे सेफ की चाबी मांगी थी तो आपने हमें नहीं दी, और बाबूजी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी, मेरा इस घर में रुकने की क्या वजह होगी अब? दीप्ति तू चल मेरे साथ। बस अब अनुज बहू क्या कह रही है? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ ये बात सच है कि मैं छुप छुप के फोन में बात करता हूँ, पर मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। दरअसल शादी से पहले मेरी जॉब चली गई थी, मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, उसके लिए मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प भी कर रहा है।
मम्मी मैंने आप लोगों से इसलिए ये सारी बातें छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरे कारण परेशान हो। पर दीप्ति अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तुम्हें काम करो, ये मेरा फोन पकड़ो और चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं किससे बात करता था। देखा भाव, तू गलत सोच रही थी, अनु सिर्फ तुझसे ही प्यार करता है। और रही बात कि सेफ की, तो लो आज से पूरे घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। और रही बात बाबूजी की, तो आज के बाद वो तुम्हें नजरें उठाकर नहीं देखेंगे, ये मेरा वादा है। बस अब घर छोड़कर जाने की बात ना अपने मन से निकाल दो। नहीं जाएगी ना? नहीं मांझी। जा अपने कमरे में जा, अनुज बहू को अपने कमरे में ले जा। जा जा। अरे राजू तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा चाय नाश्ता लेकर। भाई साहब आइए ना, बैठिए ना। देखिए बहन जी, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी ससुराल छोड़कर चली जाए, पर कोई बाप यह भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी दुखी हो। इसलिए आपसे विनती है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो जिससे मुझे दीप्ति को यहां से ले जाना पड़े। चलता हूं। माँ जी, वो हमारे बाऊजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो हमें गांव जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम जाओ। दीप्ति सॉरी, मुझे वो जॉब वाली बात नहीं छुपानी चाहिए थी तुमसे। अनुज जी, आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया। मुझे अच्छा लगा आज पहली बार तुमने मुझ पर शक किया और झगड़ा भी किया, वरना देखो ना इतने दिन हो गए हम दोनों की शादी को, ऐसा लगता था हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। आज पहली बार तुमने पत्नी होने का हक जताया है। I love you too. चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ, आज हम लंच बाहर करेंगे और लंच के बाद एक अच्छी सी मूवी देखने जाएंगे। ओके okay? जाओ। इसी मोबाइल के वजह से ना आपका दिमाग खराब हो गया है। इस मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखकर ना दीप्ति के साथ वही करने की कोशिश की। आज से ये मोबाइल बंद, और कल से मेरे साथ सत्संग चलोगे, समझे आप? दा, तुम तो मेरी बात पे यकीन करो, मैं तो। अरे दीप्ति ला, तुम जा। थैंक्स यार, अगर तू नहीं होता तो मुझे ये जॉब कभी नहीं मिलती। अच्छा चलो ओके, कल मिलते हैं ऑफिस में, चल बाय। थैंक यू। अपने उसी दोस्त से बात कर रहा था, तुम चाहो तो चेक कर लो। मुझे चेक नहीं करना, भरोसा है आप पे। लो दूध पी लो। थैंक यू।
हेलो, काम हो गया। अच्छा ये बताओ कहाँ मिलना है? हाँ मैं निकल रही हूँ, ठीक है, बाय। सर, इसके घर वालों को कॉल किया? यस सर, इनके पापा आ रहे हैं। और इस मोबाइल से जो लास्ट कॉल किया गया था उसकी डिटेल्स मिली? सर नंबर बंद आ रहा है अभी। नंबर की डिटेल्स निकलवाओ जल्द से जल्द। ओके सर। दीप्ति बेटा, बेटा दीप्ति। दीप्ति देखो, आ रहा हूं। कौन? सब इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। इसे और इसके माँ बाप को अरेस्ट कीजिए। कल जी आप क्या बोल रहे हैं? हाईवे पे लाश मिली है दीप्ति की। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? सर उन लोग तो अंदर ही। सर 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 सुनिए तो सर। क्या सर? वो मम्मी पापा। पापा पापा उठिए। अनुज ये सब क्या है? अरे माँ ये देखिए। पापा ये सब क्या है? ये अलमारी क्यों खुली है? जेवर कहाँ है? साहब यही राजेश, इसी ने मेरी बेटी के साथ में वो हरकत की थी। अरे मेरी मत्ती मारी गई थी कि मैं मेरी बेटी को यहाँ पर छोड़ कर गया। मेरी बेटी की जान ले ली इन लोगों ने। देखिए दीप्ति की लाश मिली है और उमेश जी का कहना है कि इन्होंने बदतमीजी की थी दीप्ति के साथ में और वो यहाँ से जाना भी चाहती थी। हाँ लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था और जो इन्होंने हरकत की थी मैंने इनसे माफी भी मांगी थी। मैंने कोई हरकत नहीं की थी इंस्पेक्टर साहब। बात दरअसल ऐसी है कि मुझे दीप्ति पर शक हो गया था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि वो हमेशा मोबाइल पर बिजी रहती है। और उस दिन मेरा शक और पक्का हो गया जब मैंने फ़ोन पर उसको किसी के साथ बात करते हुए सुना। वो शायद NRI है, US में रहता है। इसी शक के चलते मैं उसका मोबाइल चेक करना चाहता था। जब राजू ने मुझे बताया कि वो सो रही है तो मैंने सोचा कि यही मौका है, जाके उसका मोबाइल चेक कर लेता हूँ। मैं उसके कमरे में उसका मोबाइल चेक करने गया था। उसने ड्रामा करके उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाकर मुझे ही फंसा दिया और इन लोगों ने उसी की बात मानी। मुझे पक्का यकीन है कि उसका किसी के साथ अफेयर था। मुझे तो ये भी लगता है उसका राजू के साथ भी कुछ चल रहा था। मैंने कई बार उसे छुप छुप के राजू के साथ बात करते हुए देखा था। दीप्ति ने मुझे भी राजू के बारे में बताया था पर मुझे लगा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। राजू कहाँ है अभी? वो कल ही गाँव गया, उसके बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके अलावा आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि दीप्ति का अफेयर चल रहा था? सर ऐसा तो कुछ नहीं लगता। हाँ वो फोन में थोड़ा ज्यादा बिजी रहती थी पर अफेयर हो ऐसा नहीं कह सकते सर। पर शादी के पहले अगर कुछ रहा हो तो नहीं बोल सकते। हाँ साहब, शादी के पहले दीप्ति का अफेयर था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम है सोनू। वो उसके साथ में भाग जाना चाहती थी लेकिन मैंने मामला संभाल लिया। पता नहीं फिर उसके साथ हेलो। हाँ बोल। दीप्ति के नंबर से जो लास्ट कॉल किया गया था उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। दिल्ली जहांगीरपुरी का एड्रेस है। तुम उसे उठा के लाओ, मैं इस राजू और सोनू से पूछताछ करता हूँ। साहब साहब हमारी बात मानिए, हमारा भाभी जी के साथ कोई चक्कर नहीं है। साहब राजेश ने हमें खुद बताया कि उसने छुप छुप के तुम दोनों को बातचीत करते हुए देखा था। क्या बातें करते थे तुम लोग?
साहब, दरअसल हमें भाभी जी अच्छी लगती थी, तो इसलिए हम उन्हें छुप छुप कर देखते थे। तो एक दिन हम भाभी जी के कमरे में गए वो खाने के बारे में पूछने के लिए, तो देखा कि भाभी जी सो रही है। क्या कर रहा है? वो भाभी जी, वो हम पूछने आए थे कि खाने में क्या बनाना है। खाने में क्या बनाना है? ज्यादा स्मार्ट बन रहा है हाँ? तुम उस दिन आए थे ना, तुम ही देख रहे थे ना मैं छुप के उस बाथरूम में जब हम नहा रहे थे। रुको, आप ही हम सबको बुलाते, तुम्हारी हरकत के बारे में बताएंगे। नहीं 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 भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी जी हमारी नौकरी चली जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, पैर छोड़ो मेरा। आईना से अगर कोई हरकत दी ना, तुम्हारा वो हल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। साहब हम डर गए थे कि भाभी जी किसी को हमारी हरकतों के बारे में ना बता दे, इसलिए हम भाभी जी की सारी बात मानने लगे। और फिर एक दिन साहब भाभी जी ने हमें अपने कमरे में बुलाया। भाभी जी आपने बुलाया था? तुमसे ही काम था। ये मेडिसिन लानी है। पैसे। सुनो, किसी को बताना नहीं। जी भाभी जी। जाओ। और फिर अगले दिन हमने भाभी जी को वो दवाई लाकर दे दी। साहब भाभी जी वो हम आपकी दवा ले आए। दरवाजा बंद कर। वैसे भाभी जी ये दवा किस चीज की? मना किया था ना काका, जाके मत कर, समझ में नहीं आता तुझे, तेरी शिकायत करूं मैं अभी? नहीं भाभी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। कितना भोला है तू और डरपोक। एक काम कर, तू ना 2 दिन की छुट्टी लेके कहीं चला जा, तेरे भले के लिए कह रही हूँ, समझा, जा ठीक है। सुन, और बाहर कोई पूछे ना कि भाभी क्या कर रही, बोल देना सो रही है, दरवाजा लगा देना जी। जा जा। और फिर उसके बाद कमरे में बाबूजी आए और हंगामा शुरू हो गया। साहब हमें तो लगता है उस दिन भाभी जी ने बाबूजी पर गलत इल्जाम लगाया था। साहब कल रात कहाँ था तू? साहब हम गाँव गए थे। साहब ये मिस्टर एनआरआई कब आए आप यूएस से? सर शायद कोई गलतफहमी हुई हो, मैं कोई एनआरआई नहीं हूं। अच्छा, औरतों को तो यही कह के तू अपने जाल में फंसाता है कि तू एनआरआई है, यूएस में रहता है, तेरी पूरी कुंडली है हमारे पास। कितनी औरतों को तूने चूना लगाया और अब तूने उनको मारना भी शुरू कर दिया। दीप्ति को क्यों मारा और वो जो जेवर लेकर आई थी वो कहां है? सर ये सच है कि मैं भोली भाली औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनसे पैसे ऐंठता हूँ। दीप्ति के साथ भी मैंने यही किया, मैंने उसे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी और फिर हम लोगों ने चैट करना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि मैं यूएस से हूँ तो उसका इंटरेस्ट मेरी तरफ बढ़ता चला गया और वो मेरे प्यार के झांसे में आ गई। फिर एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं इंडिया में आया हूँ और मैंने उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया। दीप्ति जब तुम अनुज से प्यार नहीं करती तो तुमने उससे शादी क्यों की? मेरे पापा की वजह से। मेरे पापा ने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी यश। मैं एक लड़की से प्यार करती थी, मेरे पापा ने उसे इतना डराया धमकाया कि वो लड़का मुझसे बात तक करने के लिए रेडी नहीं था। वो मुझे मुंबई लेके जाने वाला था, मैं उसके साथ भागने भी वाली थी, पर अब तो वो किसी और से भी शादी करने वाला है और मुझे मजबूरन अनुज से शादी करनी पड़ी। एक सिंपल सी हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ यहाँ पे, कोई लाइफ ही नहीं है मेरी। यश तुम मुझे यूएस लेके जाओगे ना? मेरा पासपोर्ट भी रेडी है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने ही आया हूँ और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तुम ऐसा करो कि तुम कल रात मेरे पास आ जाओ और हाँ, घर से सारा कैश और जेवर लेके मेरे पास आना और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। कैश और जेवर तो, पर सेफ की चाबी तो माँ जी के पास रहती है हमेशा। उसका भी एक आइडिया मेरे पास, तुम उनके खाने में या दूध में जहर मिला देना और सारा माल बटोर के मेरे पास आ जाना और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, एक सेकंड।
सर, मैंने उसे खुद खरीदने के लिए बोला था जिससे कि मैं सेफ रह सकूं, और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने वो जहर दूध में मिलाकर उन लोगों को पिला दिया था, और फिर वो घर से निकली तो उसने मुझे कॉल किया कि वो घर से निकल चुकी है। फिर काफ़ी टाइम तक मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने उसके नंबर पर उसे कॉल किया तो उसका नंबर ऑफ आ रहा था। फिर मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं वहाँ से चला गया और मैंने अपने नंबर को ऑफ कर दिया। शायद हो सकता है कि उसके पिछले बॉयफ्रेंड ने उसको मारा हो। कल रात उसकी शादी थी और वो पूरी रात वहीं पर मौजूद था, और वैसे भी जब से दीप्ति की शादी हुई है उन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हाँ, मैंने दीप्ति से उसका कैश और जेवर लेकर उसको बुलाया था जिसको मैं लेकर भागने वाला था, लेकिन सर वो नहीं आई। जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचो। मैंने अम्मी जी से बात चलाई है तेरी और उनकी लड़की की शादी के लिए, अगर तू हाँ कहे तो। नहीं पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। घर की तलाशी लो अच्छे से। साहब, ये सब क्या है? खून तो उस यश ने किया है ना, हमारी बहू का। यश ने दीप्ति को नहीं मारा, वो सिर्फ उससे पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन दीप्ति उसके पास पहुंची नहीं। यश ने खून नहीं किया तो किसने किया है? मुझके रूम से मिला है सर। अनुज ने मारा है दीप्ति को। रात हाईवे की सीसीटीवी फुटेज देखी हमने, उसमें अनुज की कार दिख रही है, और अब इसके रूम से ये सब कुछ मिला है। तो जाहिर सी बात है कि दीप्ति को इसी ने मारा है। अनुज साहब क्या कह रहे हैं? तुमने ही दीप्ति को? हाँ, मैंने ही मारा है दीप्ति। और मैं क्या करता, वो हम सबको जान से मारना चाहती थी। अगर उस दिन मैंने उसके मोबाइल में वो सारे मैसेजेस नहीं पड़े होते ना, आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। सारा माल समेट लेना और घर से निकलने के बाद मुझे कॉल करना। हम लोग आज रात US के लिए निकलेंगे। मैंने टिकट बुक करवा लिया है। मैंने राजू से पॉइजन मंगवा लिया है। आज रात ही काम को अंजाम देंगे। तुम टिकट बुक करवा लो। मैंने बोतल से जहर निकाल के फिर पानी भर दिया और हम सब की जान बच गई। उस रात को सारे पैसे और जेवर लेके जब जा रही थी कि हेलो, काम हो गया। अच्छा ये बताओ कहाँ मिलना है? हमें निकल दो, ठीक है? बाय। दीप्ति, तुम हैरान हो मुझे जिंदा देख के? क्यों कर रही हो दीप्ति ये सब? तुम मम्मी जी तुमसे कितना प्यार करती हैं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम एक अनजान लड़के के लिए हम लोगों को धोखा देके जा रही हो। तुम को जहर देके मारना चाहती थी। ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना दीप्ति? हाँ नहीं सोचा मैंने। नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं आना मुझे समझ में। ना मुझे तुमसे मतलब है, ना तुम्हारे परिवार वालों से मतलब है। मजबूरी में रह रही थी मैं तुम्हारे यहाँ पे, पर अब कोई मजबूरी नहीं है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। दीप्ति छोड़ो। दीप्ति आई लव यू। अर्जुन छोड़ो। दीप्ति आई लव यू। अर्जुन छोड़ो। Now I hate you. Arjun. I hate you. Huh?
आए गेट में। दीप्ति, 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 इसके बाद मैं उसकी बॉडी को कार में रख के ले गया और एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया और फिर वापस आके सो गया। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। मैंने गुस्से में उसकी जान ले ली। माना उसने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारे पास और भी कई रास्ते थे उसको मारने के सिवा। जब तुम्हें दीप्ति के इरादों का पता चला तो तुम उससे बात कर सकते थे, उसके बाप से बात कर सकते थे, अपने माँ बाप से बात कर सकते थे, तो आज शायद दीप्ति तुम्हारे साथ ना होती लेकिन कम से कम जिंदा होती, तुमको जेल नहीं जाना पड़ता। चलो इसे